जो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि विजय मिश्रा, वकील विजय मिश्रा के घर के बाहर जो बम फेंके गए हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि 20 से 22 साल की उम्र के लड़के थे जो यहां पर आए और झोले में बम लेकर आए थे। झोले से, उस थैले से उन्होंने बम निकाला और उसके बाद उन्होंने बम फेंकना शुरू किया वकील विजय मिश्रा के घर के बाहर। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि उस वक्त विजय मिश्रा या परिवार का कोई सदस्य घर के भीतर मौजूद था या नहीं था। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है पुलिस ताकि उन बमबाजों की पहचान हो पाए। तो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनके आतंकी कहानियां भी सामने आ रही हैं। लोग अब हिम्मत करके अब बताने लगे हैं कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ का कितना आतंक था, अतीक बना अतीत आतंक का वो कितना बड़ा प्रतीक था। अतीक का आतंक आपने किस तरीके का देखा है? अरे बहुत ही खतरनाक आदमी था और उसके आतंक को तो पूरा शहर ही बयां कर रहा है। अब वसूली उनके जो छोटे मोटे आदमी रहते थे, वो चाहे जिस दुकान पे पहुंच गए, जो सामान लेना है ले लिए, नाम ले लिया कि वहाँ से आए हैं, चकिया से आए हैं, तो उतना ही पर्याप्त था। अगर आप उससे कहीं भी जुड़े हैं तो, नहीं भी जुड़े हैं तो आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो उसके चार गुर्गे पहुँच गए। अच्छा। अभी बहुत से लोग लूकरगंज में हैं, तमाम बड़े बड़े बंगले बिक गए, उसमें बिल्डिंगें बन गई, सब उसी की देन है, कोई अपनी खुशी से थोड़ो नहीं बेचा है। अब एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाते हैं जिसकी दुकानों पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। ये परिवार खुद अपनी आप बीती बता रहा है। मोहम्मद आसिफ और रणविजय सिंह आए थे और जो जबरदस्ती दरार धमका के हमें कचहरी ले गए, वहाँ पे साइन करवा लिया। हाँ, और कब की बात है ये? 6 अक्टूबर 2022 की बात है। 6 अक्टूबर 2022। तो आपके घर पे आए थे वो लोग? जी जी, घर से आए थे। अच्छा, हथियार वगैरह लेके आए थे? जी जी, यही घर से आए थे, यही घर से पीछे से उन्होंने ले गए हैं। अच्छा। और ये वीडियो बना के, जो जबरदस्ती वीडियो बना के ताला भी बंद किया, ये तीनों दुकान है, इन्होंने तीनों दुकान कब्जा की है। अच्छा। अतीक अहमद के लोग, ये खुद ही डरा धमका के बोलते थे हम अतीक के आदमी हैं और कब्जा दे दो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, नहीं ये कर देंगे, नाम चल के वो एग्रीमेंट कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो कुछ पैसा भी दिया आप लोगों को एग्रीमेंट के लिए? हाँ, पैसा दिया इन्होंने। कितना दिया? 15 लाख दिया चेक से और इन्होंने फिर बाद में कैश हमसे ले लिया। ले लिया कितना पैसा लिया? 13 लाख रुपए। मतलब 13 लाख वो ले भी लिया, गन पॉइंट पे लिए थे? जी जी। सर क्या बोलते हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद भी क्या आतंक शांत होगा? क्योंकि जब एक बीज बोया जाता है, अतीक अहमद का बोया हुआ बीज यानी उनके जो गुर्गे हैं वो अपने आप में पेड़ बन चुके हैं। अच्छा। तो उनको कैसे काटा जाएगा? उनको भी साफ करना उतना ही जरूरी है ना।